पीएचईडी के हाथों में जाने के बाद भी सुचारू रूप से नहीं चालू हो पा रही है नल जल। सुपी प्रखंड के मोहनी मंडल पंचायत वार्ड संख्या 1 में हूँ। यहाँ पर दो वार्डों के बीच की बात से यहाँ पर ग्रामीण हो रहे परेशान। नल जल की समस्या में दो वार्ड आ रहे हैं। दोनों वार्ड के बीच में जो देन लेन का समस्या है चार्ज का, वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। यहाँ के ग्रामीण पुष्टि कर रहे हैं कि पुराने जो वार्ड है वो चार्ज नहीं दिया है, जिसके कारण से हमारे नए वार्ड साहब मुझे पानी देने से इनकार कर रहे हैं। बात यहाँ पर है कि कलेक्टर साहब आप वहाँ से आदेश करते हैं वीडियो को, सीओ को और मुखिया जो भी प्रतिनिधि है सबको कि अपने पंचायत में जो भी समस्या है उसे आप देखें और पहल करें, लेकिन यहाँ पर आपके आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। डीएम साहब, खबर में वैसे दिखाता रहूंगा, कभी भी नहीं मानूंगा जब तक ये समस्या सॉल्व ना हो जाती है, जब तक ग्राम पंचायत की समस्या जो नल जल का है, ये स्कूल का है, बिजली का है, जो भी समस्या पर आप लोग पहल करते हैं, बैठक करते हैं, उन समस्याओं पर काम बिल्कुल नहीं हो पाता है। पिछला वार्ड जो है ना, वो अभी तक चार्ज भी नहीं दे पाए हैं वार्ड को, चाहे वार्ड के सचिव को, और बुलरिया टोला में कहीं पर भी पाइपिंग नहीं हो पाया है। मतलब ये पार्ट 1 और 2 है। हाँ, तो ये पार्ट 2 में आता है, तो इसमें पाइपिंग ही नहीं हुआ है। पाइपिंग ही नहीं हुआ। पार्ट 1 का तो चालू होता है सुबह शाम दोपहर, पार्ट 2 में पाइपिंग नहीं हुआ, सिर्फ मोटर और टंकी लग गई। आपके ऊपर भी है अधिकारी है, आपका प्रतिनिधि है, मुखिया है, उनसे नहीं कहते? हाँ, सबको हम कंप्लेन किए हैं, आपके न्यूज़ के मार्फत जो कोई सुनवाई नहीं होता है। आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि गुलरिया पार्ट 2 का जो नल जल है उसकी सही जांच हो, वीडियो साहब के जरिए से हो, चाहे जिला अधिकारी के जरिए से हो।